शहर कोतवाली में आज दिन दहाड़े एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने गोली मारी। लुहलुहान व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। गोली की इस घटना से आसपास सन्नाटा छा गया और लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भेजा और आसपास के लोगों से जानकारी ली। रामपुर शहर कोतवाली में एकता पुलिस चौकी क्षेत्र में आज थाना अजीम नगर में बजवाला गाँव निवासी महमूद को, जो प्लम्बर का काम करते हैं, वे शहर में काम करने आ रहा था, तभी रास्ते में रोककर उसी के गांव निवासी रईस अहमद और भूरा ने उसे रोककर गोली मार दी और महमूद को मरा समझकर भाग गए। महमूद खून से लथपथ जमीन पर गिर गया और आसपास के लोग उसके पास पहुंचे और फौरन पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कोतवाली पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और घायल महमूद को जिला अस्पताल भेजा। दिन दहाड़े इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। सीओ सिटी ओपी आर्य भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल महमूद से जानकारी ली। इस बारे में पुलिस के अधिकारी ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बचते नजर आए, लेकिन शहर कोतवाली के कोतवाल ने बताया इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है और आरोपी और पीड़ित एक ही गाँव के हैं। घायल महमूद अभी सजा काट कर बाहर आए हैं और उसके आरोपी पक्ष ने भी जेल में भेजा गया है था। इनकी पुरानी रंजिश बहुत दिनों से चली आ रही थी। क्या बोल सकते हैं अभी? बता सकते हैं? क्या नाम है आपका? महमूद। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ, मैं काम करने के लिए आया था, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का काम करता हूँ। मुझे रास्ते पर रोका रईस अहमद और भूरा ने गाड़ी कड़ी करवा कर मेरे सामने से गोली। तो क्या आपकी कोई पहले से झगड़ा चल रहा था, क्या बात? हाँ भाई, वो पहले से जिस पर चल रही, मुझे लापता था ये इस रास्ते पर जा रहा है। मैं जब उधर से जाता था पंचायत से रामपुर को, कहाँ